सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाणीवेतील फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाजात। बुलढाणा नगर परिषद हद्दीत येत असलेल्या दिव्यांग बांधवांकरिता राबवण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांच्या उत्थानाकरिता नगर परिषदेला मिळणारा उत्पन्नाच्या 5% निधी राखीव ठेवून तो निधी त्यांच्या कामावर खर्च करण्याचे शासनाचे सक्त निर्देश आहेत। मात्र बुलढाणा नगर परिषदेने 3 वर्षापासूनचा निधी अद्याप अपंग बांधवांना देण्यात आलेला नाही असे निवेदन 21 सप्टेंबर 2021 बुलढाणा नगर परिषद मुख्य अधिकारी यांना अपंग जनता दल सामाजिक संघटनेच्या वतीने राज्य सचिव कलीम शेख व आजम कुरेशी यांच्यासह अनेक दिव्यांगांनी दिले होते। बुलढाणा नगर परिषद में दिव्यांग कल्याण निधि में 85 लाख रुपए का भ्रष्टाचार। 21 सितंबर को हमने अपंग जनता दल सामाजिक संगठन की तरफ से नगर प्रशासन से एक माहिती मांगी थी निवेदन के जरिए। बुलढाणा नगर प्रशासन ने हमें मालूमात दी लेकिन वो खोटी मालूमात दी, जिसमें ये बताया गया कि पिछले 3 सालों में 85 लाख रुपए का तरतूत किया गया और दिव्यांगों पर 35 लाख रुपए खर्च किए गए। 183 दिव्यांगों को सिलाई मशीन दी गई और 228 दिव्यांगों को आर्थिक मदद, लेकिन वो आर्थिक मदद कितनी है, क्या है, कब दी गई, ये उसमें नमूद नहीं है। तो बुलढाणा नगर पालिका के भ्रष्टाचार के विरोध में हमने माननीय जिलाधिकारी साहब इनके मार्फत एकनाथ जी शिंदे नगर विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य इनसे एक मांग की कि जो नगर पालिका के भ्रष्टाचारी कर्मचारी जो है इन पर निलंबित करने की कार्रवाई करें। आने वाली 26 जनवरी तक अगर इन भ्रष्टाचारियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, ये निलंबित नहीं होते हैं और हम बुलढाणा शहर के दिव्यांगों को उनका हक के पैसे नहीं मिलते हैं, तो हम जिला कार्यालय के सामने अमरण उपोषण करेंगे। डॉक्टर मुबीन खान, युवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट MIM बुलढाणा। नाथ शिंदे साहब नगर विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य, इनको कंप्लेंट की है, तकरार की है। ये तकरार हमने कलेक्टर द्वारा, SP साहब के थ्रू, CO के थ्रू और बुलढाणा थानेदार के थ्रू की है। ठीक है, ये कंप्लेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। आपकी जो टैक्स वसूली की जाती है, घर का टैक्स, नल टैक्स, पानी टैक्स, ये जो भी टैक्स वसूल किया जाता है उसका 5% शासन द्वारा आपके अपंग भाई जो आते हैं, अपंग बंधु, तो उनको दिया जाता है साल का। 2018 में नगर पालिका ने ये टैक्स 25 लाख रुपए 5% के हिसाब से अपंग लोगों को तकसीम किया। उन्होंने 25 लाख निधि फाइनल की थी, उसमें से 24 लाख तकसीम किया। 2019, 20, 21 ये 3 सालों में उन्होंने कोई तकसीम नहीं। दिव्यांग बांधवांच्या हक्काच्या निधीमध्ये भ्रष्टाचार करून दिव्यांगांवर अन्याय करीत असून असे भ्रष्ट अधिकारी वर कारवाई करून निलंबित करण्यात यावे। अशी कारवाई न झाल्यास, दिव्यांगांच्या हक्काचे पैसे न मिळाल्यास दिव्यांगांना न्याय मिळवण्याकरिता येत्या 26 जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार असल्याचे राज्य सचिव कलीम शेख यांनी आवाहन केले। निवेदन देतेवेळी संघटनेचे राज्य सचिव कलीम शेख, आजम कुरेशी, सिराज टेलर, किशोर जाधव, जावेद मैला, अनेक दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। प्रतिनिधी इरफान सय्यद, महाराष्ट्र 24 न्यूज, बुलढाणा।